पिछले 3 माह से सिहारा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर किसी भी वित्तीय चार्ज न होने की वजह से पोलियो कुष्ठ रोग आशा पेमेंट, आशा संगनी पेमेंट, जननी सुरक्षा योजना का कोई भुगतान न होने के कारण आशाओं में खासा रोष देखने को मिला, जिसके चलते आज सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के गेट पर बैठकर आशाओं ने धरना प्रदर्शन किया। आशाओं का आरोप है कि किसी पर भी वित्तीय चार्ज न होने की वजह से हमारा कोई भी पैसा हमारे खातों में नहीं पहुंचा, जिसकी वजह से हम लोगों के सामने खाने पीने की लाले पड़े हुए हैं। सिहारा से नजम सिद्दीकी की रिपोर्ट। संयोगिता जी, ये जो लोग बैठे हैं धरने पे कौन लोग हैं? सर आशा है और आशा संगनी है। अच्छा, क्या मामला है पूरा, क्या धरने की वजह? इसका मसला ये है कि 3 महीने हो गए, 3 महीने से ना तो लाभार्थी का और ना आशा का ना किसी संगनी का कोई पेमेंट नहीं हुआ है, इसीलिए आशा हमारे यहाँ बैठी हुई है। 3 महीने क्यों हो गए, क्या वजह रही? सर यहाँ जो है कोई भी इंचार्ज साइन करने के लिए नहीं है, इसीलिए कि ना तो लाभार्थी परेशान है और सारी आशा भी और आशा संगनी बहुत परेशान है। किसी को कोई भी पैसा नहीं मिल पा रहा, कहाँ से अपने घर का खर्च चलाए। कार्य भी है, ये करो। आप जो धरने पे बैठी हैं, आप क्या फायदा होगा आपको यहाँ बैठने से? सर जल्दी से जल्दी यहाँ कोई साइन करने के लिए इंचार्ज बुलाया जाए, ताकि हमारा सारा पैसा मिल जाए, टाइम से लाभार्थी का ही मिल जाए और हमारा पैसा भी आशा को और आशा संगठनों का सब पैसा मिल जाए। अगर पेमेंट नहीं मिलता तो फिर क्या करेंगे? हम फिर कार्य बहिष्कार करेंगे, कोई भी काम नहीं करेंगे, न ही कोई टीकाकरण करवाएंगे और न ही कोई डिलीवरी लाएंगे, न ही किसी लाभार्थी को यहाँ आने देंगे बिल्कुल भी। कितना गुस्सा, कितना वो हमारे अंदर, कहाँ से खर्च करें हम अपना,